फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कपकेक। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। ये मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ आधा कप दूध लिया है। चार छोटे चम्मच शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चौथाई कप हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हमने कर लिया है इन सब चीज़ों को। यहाँ पर हमने एक कप मैदा लिया हुआ है। इसको हम इसमें एक स्ट्रेनर लेकर छान कर ले लेंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर कोकोआ पाउडर। ये मैंने 3 चम्मच लिया हुआ है। इसको भी हम छान के ले लेते हैं इसके अंदर। और इधर हमने लिया हुआ है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसको भी स्ट्रेनर में ले लेते हैं। और साथ ही साथ 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से छान के ले लेते हैं। और 1/2 चम्मच हमने लिया हुआ है ये वनीला। इसकी जगह आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केक में। और अब हम हैंड विस्क लेकर या स्पून लेकर अच्छे से इसको एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। ये देखिए, मिक्स हमने कर लिया है। पर बैटर अभी हमारा थोड़ा गाढ़ा है, तो हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच दूध और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इधर हमने ली हुई है 1 चम्मच कॉफ़ी। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब गर्म पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक स्पून लेकर। मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बैटर में डाल लेते हैं, मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा तैयार है। अब इधर हमने लिए हुए हैं ये 3 डिस्पोजल, जिसको हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लिया है। इनकी की जगह आप कप का यूज़ भी कर सकते हैं केक बनाने में। तो चलिए, अब हम इनमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे जो हमने बना के लिया हुआ है। बैटर डाल के हमने तैयार कर लिया है डिस्पोजल को। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा डैप करेंगे। अब हम इनको बेक कर लेते हैं। इधर नहीं रखा हुआ था गैस पर, लो फ्लेम पर। ये अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें रखेंगे डिस्पोजल।
और कढ़ाई की लीड रख के इसको कवर कर देते हैं। और जो ये कढ़ाई की लीड में होल है, इसमें हम लगाएंगे एक पेपर रोल करके। अब हम केक को 15 से 16 मिनट के बाद चेक करेंगे। 15 मिनट को बेक होते होते लीड हटाकर चेक कर लेते हैं एक फ्रूट पिक लेके। ये देखिए फ्रूट पिक एकदम क्लीन आ रही है हमारी, तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है बेक होकर। अब हम डिस्पोजल को निकाल लेंगे कढ़ाई के अंदर से और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हमारा चॉकलेट कप केक बनके एकदम रेडी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना स्पॉन्जी बना हुआ है, तो ये इजीली निकल जाता है थोड़ा सा टैप करने पर ही। ये देखिए तो हमारा केक कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? इसी के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।